फिर क्या कहता है कि 7 प्लस 2x
then 12 plus x and then 21 plus में 2x that is equal to 0. clear हो रहा है क्या आपको? सबसे आ रही है नहीं आ रही कोई बात नहीं, मैं फिर आपको बताता हूँ कुछ नहीं किया है क्या किया है मल्टीप्लाई किया, समझ में आ गया आपको? अब आगे क्या करेंगे कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबसे पहले अगर इसकी करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 7 plus 2x हो जाएगा, इसकी इसके साथ करोगे तो प्लस का 12x plus x का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 21 plus में 2x that is equal to 0. अब क्या करने वाले x x के टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, सबसे पहले तो x का स्क्वायर को निकाल लेते हैं, तो x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x को एक स्क्वायर नहीं है तो x का स्क्वायर बाहर निकाल लो. अब क्या करने वाले x x को इकट्ठा करेंगे तो x वाले कितने हैं 1, 2, 3 कितने हो जाएंगे 12 और 4 16 हो जाएंगे, समझ में आ रही है आप सभी को, तो प्लस का कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा, प्लस का 16x आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया. अब क्या बच गया है 21 बच गया है और 7 बच गया, इतना बचा ना. तो देखो इसका तो क्या हो जाएगा कुछ रहने वाले 21 और 7 कितने हो जाएंगे प्लस का 28 दैट इज इक्वल टू 0. अब इसका क्या करने वाले, अब इसको आप कई तरह कर सकते हो, फोर्थ क्लास में भी आपने क्वाड्रेटिक मेथड टाइप में कुछ पढ़े होंगे, पुराने टाइप में आपने कुछ क्वाड्रेटिक मेथड पढ़ा होगा, एट में पढ़ा होगा, नाइन में पढ़ा होगा. सबसे अच्छी बात आप फैक्टर बना लीजिए, फैक्टर क्या बन जाएगा इसका x प्लस में 2 और x प्लस में 14 दैट इज इक्वल टू 0. 0 के साथ लेके जाएंगे x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 तो x माइनस का 2 आ जाएगा, और अगला देखेंगे तो x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा. तो ये आपके क्या आ गए x की वैल्यूज आ गई, क्या आ गई आपकी x की वैल्यूज आ गई है. ठीक है पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो इसको नोट करो. ठीक है अब हमारे पास क्या आ चुका है इस एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम आ चुका है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है इस सवाल को और इसको देख के आप बहुत ज्यादा घबराने वाले हो, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं इतना आसान बना दूंगा आपके लिए, आपका ये क्या होगा. सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है क्या निकालने के लिए कहा गया है, क्या क्या दिया गया है और क्या हमारे पास है. ठीक है हमारे को कहा है कि a और b की निकालो वैल्यू, इन दो की वैल्यू निकालनी है, a b इक्वल टू b a करो यानी कि मल्टीप्लाई भी करनी है. फिर कहता है कि ये 5a मतलब 3a plus 5b यानी कि a के 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और b की 5 के साथ करो, फिर उनका जोड़ करो फिर दिखाओ क्या आता है. कुछ नहीं कहा, सिंपल सी बात है. सबसे पहले देखेंगे कि हम a b, ए बी क्या होता है 3, 2, 4, 1 और इसको करेंगे ए बी 3 और 5. ठीक है क्या कहता है ए बी को करेंगे जब हम, तो 3a plus 6, 3b plus 10, 4a plus 3, 4b plus 5. ठीक है इतना आ गया. अब बी ए कर लो, अब बी ए करेंगे तो बी ए के साथ क्या होने वाला है ए बी 3 और 5, और ए लेंगे तो क्या होने वाला है 3, 2, 4 and 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या होएगा ए 3a plus 4b, 3a plus 4b आ गया. उसके बाद ये क्या कहता है 2a plus b, then 3 3 9 plus 5 4 20, 3 2 6 plus 5 1 5. ठीक है तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आगे क्या आ जाएगा आपका आंसर 3a plus 4b, 2a plus b, 29 एंड देन 11. ठीक है हमारा कितना काम हो गया, ये वाला काम हो चुका है. ठीक है अब हमें कहा क्या गया था कि इन दोनों को बराबर रखो, बराबर रख लेते हैं, थस क्या होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए. ठीक है तो कैसे होगा, तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू ले लो, ए बी की क्या कहता है 3a plus 6 दैट इज इक्वल 3a plus 6, 4a plus 3, 3b plus 10 एंड 4b plus 5 इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे तो क्या कहता है कि 3a plus 4b एंड 2a plus b, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे फिर से चेक कर लेंगे कि 2a plus b आ रहा हो, 2a plus b. ठीक है 29 और 11, 29 और
11, ठीक है। अब आगे क्या देख रहे हैं, अब हमें क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी कौन सी मुश्किल बात है, कुछ रफ ज्यादा है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे, 4a plus 3 that is equal to 29 कर लेंगे, 4a that is equal to 29 minus 3 जो 26 हो जाएगा, a is equal to 26 by 4 हो जाएगा, ये 2 ये 13 ये कट जाएगा 1 ये आ जाएगा 6.5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6.5। b की निकालनी कौन सी मुश्किल बात है, आप भी बुझाइए बताओ, ये रहा आपका b, तो क्या करता है 4b plus 5 that is equal to 11, 4b that is equal to 11 minus 5 तो बचे 6, b is equal to 6 by 4 that 3 by 2 that b is equal to 1.5। तो हमें क्या कहा गया था कि a और b की वैल्यू निकालो, a की निकल गई 6.5 और b की भी निकल गई 1.5, समझ में आ गया आप सभी को, कितना फर्क था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे को क्या कहा गया है कि 3a plus 5 आई है, 3a plus 5 भी निकाल दें, कौन सी बड़ी बात है, निकालो 3a क्या है, 3a क्या कहता है, a के साथ 3 के साथ 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। 5 भी करता है, 5 भी कितना होगा, अब हमें पता है कि a की वैल्यू यहां 6.5 है और b की वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो क्या मल्टीप्लाई करनी मुश्किल है, क्या नहीं है, तो 6.5 के साथ जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 30 आगे डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2.5 हो जाएगा, जब आप 1.5 के साथ करोगे तो 5 5 तो 7.5 हो जाएगा आपका ये सब, उसके बाद ये क्या 5 3 15 देन 5 5 25। अब कौन मुश्किल है, अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, 3a plus 5 भी रह जाएगा, तो इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, प्लस करोगे तो 2 plus 9 that is equal to 41.5 आ जाएगा, और 7.5 plus 6 that is equal to 13 हो जाएगा, तो 13.5 हो जाएगा, और ये कोई आपके लिए तो कुछ मुश्किल है नहीं है, 15 12 27 हो गए एंड देन 25 और 26 हो गए, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी नंबर सेकंड, 3 है ये, ठीक है, तो यहां 3 कहा गया था, हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, 3 आ जाएगा यहां, बन नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, छोटी सी माइनर मिस्टेक है, तो ये देखिए आपका सारा क्या है आंसर निकल गया। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फटाफट से समझा देता हूं, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब फटाफट से समझ लेते हैं, हमें कुछ नहीं कहा गया, ab equal to b है, 3a plus 5 की a और b की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बात थी, a भी हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, b है हमने निकाल लिया है, देन हमने a की वैल्यू निकाली है 6.55, आप रैंडमली किसी में भी पुट कर दीजिए, हर एक आंसर आएगा, लेकिन हमें जिसमें से आसान लगता था एक आंसर निकालना यहां से आसान है, तो हमने आसान से निकाल लिया, b की भी वैल्यू निकाल ली, देन हमने 3a के साथ मल्टीप्लाई करी, देन 5 भी किया और 3a plus 5 भी करके हमने आंसर निकाल लिया है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज में इसके अलावा कोई और भी मुश्किल सब है, और अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा, और अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दैट्स ऑल, हमने आपका आज ये पूरा कर लिया है मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको बता देता हूं कि हम जो स्टार्टिंग में करने वाले हैं वो सेक्शन 1 तक करेंगे, इस बुक के सेक्शन 1 तक मैट्रिक्स को करेंगे, देन अभी बच्चों के कमेंट आ चुके हैं कि हमें सबसे पहले सेट करवाया जाए या लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करवाया जाए, तो हम वो भी बिल्कुल साथ साथ में चलाएंगे, सेक्शन 2 भी हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, सेक्शन 1 को अभी खत्म कर लेंगे, और दैट्स ऑल, ये हो चुका है हमारा एक्सरसाइज खत्म। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल, थैंक यू।